गाइस वेलकम टू आवर चैनल राज हम लेके सुल्तान रही दी ओनली रूलर ऑफ हॉलीवुड का होम टूर का रिएक्शन। एंड ये जो है लाइक देखना पड़ेगा कैसा होता है। लाइक सुल्तान रही के बारे में हमने से थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है कि लाइक वो मतलब बहुत कमाल की उनकी मूवीज हुआ करती थी एंड लाइक वो जो है पाकिस्तान के सबसे सुपर हीरो हुआ करते थे, लाइक सुपरस्टार आप कह सकते हैं पाकिस्तान के। एंड उनकी जो फिल्में आती थी बहुत ज़्यादा चलती थी, लाइक एक दो के मैंने पोस्टर्स भी देखे हैं, लाइक उसमें वो बहुत धांसू लगते हैं, कमाल के लगते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या हो। और सीरियसली अगर मैं बात बताऊँ अपनी, तो मैंने उनका कोई ऐसा कुछ देखा नहीं है पोस्टर वगैरह, और ना ही मुझे ऐसे उनके बारे में कोई आइडिया है वो क्या मतलब कितने अच्छे एक्टर थे या क्या था। तो बेसिकली मुझे कुछ आइडिया नहीं उनके बारे में, लेकिन इस वीडियो से शायद मुझे इनके बारे में थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल इनका पता लग जाए, है ना। घर तो पता लगेगा ही, क्या पता इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोले, तो फिर काफ़ी बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो देखता है वीडियो कैसे होने वाली है, भाई देख लेते हैं कैसा होगा। आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान सुल्तान राही का घर और कब्र एक साथ दिखाने वाला हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है, सुल्तान राही का घर अपनी उसी हालत में मौजूद है। सुल्तान राही ने इस घर को बड़े ही चाहों से तामीर करवाया था। इसका फ्रंट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रकबा कितना होगा। सुल्तान राही ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, इस घर के अंदर एक मस्जिद खुसूसी तौर पर तामीर करवाई थी। इस घर में सुल्तान राही की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा है। हर जो कमरा है एंटीक फर्नीचर है, उस हिसाब से उसको डेकोरेट किया गया है। सुल्तान राही का जो मजार है उसको ताले लगा दिए गए हैं। तो उनका कोई फैन, उनका कोई प्रस्तार यहाँ पर आकर फातिहा करना चाहे तो वो फातिहा भी नहीं कर सकता। क्यों, क्या हो गया? जड़ी दुनिया ने लीर और लीर कर देती है। नाज़रीन, आज एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान सुल्तान राही का घर और कब्र एक साथ दिखाने वाला हूं, बड़ा ही एक्सक्लूसिवली। और अभी ये जो मेरे पीछे आपको आलीशान घर नजर आ रहा है, ये सुल्तान राही का घर है, जो कि एक कोठी नुमा है। और सबसे पहले अगर हम इस घर के लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर का पोश तरीन एरिया है। ये लाहौर का जो मशहूर मारूफ माल रोड है उसकी बिल्कुल बैक साइड पर वाकिया है ये घर। यहाँ से राइट साइड पर बिल्कुल गवर्नर हाउस है, उसके साथ बागी जिना है, और यहाँ से लेफ्ट साइड पर वजीर आला हाउस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पोश्तनी एरिया है। सुल्तान राही ने इस घर को बड़े ही चाहों से तामीर करवाया था। गालबन ये 80s में तामीर किया गया था। और इस घर की अगर बात करें तो ये रिवायती अंदाज में तामीर किया गया है, और ये एक डबल स्टोरी घर है। वैसे तो उस दौर में जितने भी फिल्म स्टारों ने अपने घर तामीर करवाए थे वो सिंगल स्टोरी थे, लेकिन सुल्तान राही ने ये एक डबल स्टोरी घर तामीर करवाया था। और इसके रकबे की अगर आप बात करें तो इसका फ्रंट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रकबा कितना होगा। अमूमी तौर पर इतना ज्यादा फ्रंट घर का नहीं होता, लेकिन सुल्तान राही का ये जो घर है इसका बहुत ज्यादा फ्रंट है। सुल्तान राही ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इस घर के अंदर एक मस्जिद खुसूसी तौर पर तामीर करवाई थी, जहां पर वो बैठकर इबादत वगैरह किया करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, और बाकी जो इबादत होती थी वो उस मस्जिद में बैठकर किया करते थे। आप देखेंगे बाकी जितने भी फिल्म स्टार हैं कभी हमने उनके बारे में नहीं सुना कि उन्होंने घर में स्पेसिफिकली मस्जिद तामीर करवाई हो, लेकिन सुल्तान राही चूंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो मजहब से बहुत ज्यादा उनका लगाव था, इसलिए उन्होंने घर में स्पेशली एक मस्जिद तामीर करवाई थी। इसके अलावा घर को अंदर से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से डेकोरेट किया गया है। इस घर में अंदर सुल्तान राही की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा हैं, और हर घर और हर जो कमरा है उसको उसकी साख के हिसाब से, जो एंटीक फर्नीचर है उस हिसाब से उसको डेकोरेट किया गया है। बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं जो घर की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो इस घर में जो सुल्तान राही के बेटे हैं हैदर सुल्तान, वो और उनकी फैमिली रहती है। सुल्तान राही की जो बाकी फैमिली है वो बैरूनी मुल्क मुकीम है, हैदर सुल्तान और उनकी फैमिली इस घर में रहती है। और एक अच्छी बात ये भी है, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के, सुल्तान राही की जो निशानी है वो उसी तरह से मौजूद है, क्योंकि हमने बाकी फिल्म स्टारों को देखते हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके घर टूट फूट का शिकार हैं, और वो सारी चीज़ें जो उनकी यादें थी, जैसे मोहम्मद अली का घर है अब वो कितना वीरान एक जंगल सा बन चुका है। इसके अलावा बाकी जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके घर जो हैं वो जंगल नुमा बन चुके हैं, लेकिन ये बड़ी ही खुशी की बात है कि सुल्तान राही का घर अपनी उसी हालत में मौजूद है। और इसमें हैदर सुल्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस घर को उसी तरह से अंदर से मेंटेन रखा है जो
सुल्तान राय साहब की यादें थी वो इसमें अभी भी उसी तरह बसती हैं। तो बहुत जल्द सुल्तान राय का घर हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। सुल्तान साहब से हम बहुत जल्द उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इजाज़त दें और हम अंदर से भी ये घर आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव सुल्तान राय की जो आखिरी आरामगाह है वहां पर लेकर चलता हूं और वहां पर देखते हैं कि क्या मंजर है। सुल्तान राय की जो कब्र है वो यहां से बिल्कुल करीब 612 कदम के तकरीबन फासले पर वाकई है। तो अभी सुल्तान राय की कब्र पर चलते हैं और बहुत सी बातें वो सुल्तान राय की कब्र पर चल के करेंगे। तो आइए कदम भी नाप रखें, 612 कदम। वाव, इंसान के जाने के बाद की भी लग लोगों ने कबर बनाई उनकी प्रॉपर और याद करने के लिए, लेकिन ताले क्यों लग गए? वन ऑफ द ग्रेट आप कह सकते हो। कितना सुंदर कबर है। सब एकदम वेल मेंटेन्ड वैसा है, पर ये कि बंद है। नाज़रीन हम सुल्तान राही की कब्र पर पहुंच चुके हैं जो कि हज़रत शमसद्दीन का मज़ार है, उसके अहाते में है। और ये जो मज़ार है ये सुल्तान राही की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब है। और ये जो सुल्तान राही की कब्र है ये एक छोटा सा मज़ार बनाया गया है और इसके करीब थोड़ी बहुत कब्रें भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास जगह मुख्तस की गई है जिसके अंदर सुल्तान राही की कब्र है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि सुल्तान राही का जो मज़ार है उसको ताले लगा दिए गए हैं। क्यों? यानी अगर उनका कोई फ़ैन, उनका कोई प्रस्तार यहाँ पर आकर फातिहा करना चाहे तो वो फातिहा भी नहीं कर सकता। क्यों? अभी यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो आए और उन्होंने देखा कि सुल्तान राही के मज़ार को ताले लग चुके हैं, तो उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया। तो इससे पहले हम रेगुलरली आते थे सुल्तान राय की कब्र पर, तो फुटेज जो अंदर की है वो हमने पहले बनाई हुई है, तो वही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं सुल्तान राय की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करूं, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, थोड़ा सा मैं उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस हवाले से चंद बातें करना चाहूँगा कि सुल्तान राय की जो आजजी है उस हवाले से हर बंदा मिसाल देता है। उनके बारे में कहा जाता है, बल्कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ख़ुद बताया था कि वो ज़मीन पर सोते हैं, कभी वो बेड पर या चारपाई पर कभी नहीं सोए। और इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जब वो लाहौर में आए थे तो सड़कों पर सोते थे और छोटे मोटे काम करते थे और फाके भी काटते थे। तो जब वो सुपरस्टार बन गए तो ये उनकी खासियत थी कि वो जो अपना माजी था उसको भूले नहीं, तो वो उस माजी को याद रखने के लिए ज़मीन पर सोते थे ताकि उनके बकौल के उनको अपनी औकात याद रह सके। इसके अलावा जब वो फिल्म के सेट पर जाते थे तो जो फनकार थे या प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे उनसे बाद में मिलते थे, लेकिन जो छोटा तबका है, जो चाय लाने वाला है, जो टेक्नीशियन है, जो लाइट मैन है, जो सफाई करने वाला है, जो गार्ड है, उनसे वो पहले जाकर मिलते थे। और ये उनकी ऐसी बात थी कि हर बंदा इसकी तारीफ़ करता था। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो चैरिटी बहुत ज़्यादा किया करते थे, उनकी कमाई से कई सौ चूल्हे जलते थे, कई सौ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जब सुल्तान राय की अचानक वफात हुई तो कई लोगों को उनके घर के बाहर रोते हुए देखा गया, यतीम बच्चों को, बीमाओं को, क्योंकि उनका कहना था कि सुल्तान राय बाकायदा तौर पर उनके घर राशन भिजवाते थे, तो अब सुल्तान राय के चले जाने से अब उनका राशन कौन भिजवाएगा, उनके खाने का इंतज़ाम कौन करेगा। और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा नाम बताऊं कि वैसे तो सुल्तान राही का ताल्लुक एक रंगारंग दुनिया से था, लेकिन उनके अंदर पता नहीं कैसे वो मज़हब बहुत ज़्यादा रच बस गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान राही के घर के अंदर एक मस्जिद थी, स्पेशली उन्होंने तामीर करवाई थी जिसमें वो इबादत किया करते थे। इसके अलावा सुल्तान राही बाकायदा तौर पर जो उलमा की मजालिस होती थी उसमें शिरकत करते थे, तकरीर किया करते थे और बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। वो हज करने भी गए, उमरा भी किया, तो मज़हब से उन्होंने कभी अपने आप को जुदा नहीं किया। और आखिर में एक बड़ी ही एक वाक्य के साथ, बड़े ईमान अफरोज़ वाक्य के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि शफकत चीमा ने यह वाक्य सुनाया कि उनकी शायद 4 या 5 बेटियाँ हो चुकी थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा हो।
तो एक रोज़ सेट पर वो बैठे थे, बड़े उदास और बड़े गमगीन थे। तो सुल्तान राय भी उनके जब पास आके बैठे तो उन्होंने देखा कि शफकत जीमा जो हैं वो बड़े अफसरदा हैं, बड़े गमगीन हैं। तो उन्होंने शफकत जीमा से पूछा कि शफकत क्यों तुम अफसरदा हो, क्यों गमगीन हो? तो उन्होंने बताया कि इस तरह मेरी 5 बेटियां हो चुकी हैं लेकिन बेटा नहीं हुआ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मेरा वारिस होता, कोई मेरा बेटा होता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बैठो। शफकत चीमा के बकौल वो कुछ देर के लिए अंदर गए और जब वापस आया तो उनके माथे पर मिट्टी लगी हुई थी। तो उन्होंने शफकत चीमा को कहा कि अगली दफ़ा तुम्हारा बेटा होगा, और ऐसा ही हुआ कि शफकत चीमा के यहाँ उसके बाद बेटा पैदा हुआ। ये तो दुनिया उन्हें एक फिल्म स्टार के तौर पर जानती है, लेकिन हमें जो उनकी ज़िंदगी का दूसरा रुख है उसको भी देखना चाहिए। तो यही आज की वीडियो थी, सुल्तान राय की कब्र और घर दिखाना आपको मकसद था जो कि आपको दिखाया। और अगर कोई आना चाहे जो उनका फ़ैन है, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर यहाँ पर लोग आएं और उनकी कब्र पर फातिहा खानी करें। एड्रेस मैंने आपको सारा समझा दिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, हालांकि उनका हम लोगों ने इतना ऐसा घर नहीं दिखा, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अरे क्या ज़िंदगी है इंसान की, वो पूरी ज़िंदगी ना बस ये पैसों के पीछे भागता रहता है, घर बनाना है, गाड़ी चाहिए, ये करना है, वर्ल्ड टूर करना है, वो करना है। मतलब बेसिकली हम लोग मैक्सिमम लोग वी जस्ट वॉन्ट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाती है। आखिरकार जो रहनी है वो हमारी कब्र रहनी है, हम लोग जल के राख हो जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ना ये एक ह्यूमन ट्रैप है और सारा कुछ भी नहीं। और फिर उसमें बोला कि जो ये थे वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डाउन टू अर्थ थे, और मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो लोग नीचे से ऊपर उठते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, मतलब काफ़ी लोगों में ना फिर वो हो जाता है, घमंड आ जाता है, एरोगेंट हो जाती है, इगोइस्टिक हो जाती है कि यार हमारे से बढ़कर कोई है नहीं। लेकिन स्टिल ये बहुत डाउन टू अर्थ थे, ये लोग छोटे लोगों को पहले जाते थे, फिर बड़े लोगों को बाद में, है ना, ये इतनी चैरिटी करते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि उन्होंने बोला कि ऐसे करके वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे, उनका कोई बेटा नहीं हो रहा था, फिर उनके घर आया और फिर बेटा हो गया, वो तो मुझे चीज़ का समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना मैं वीडियो देख कर इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि लाइक वो सीरियसली बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी लास्ट में ये चीज़ तो बताया नहीं कि लाइक उनकी कब्र पे ताला क्यों लगा होता है, वो चीज़ नहीं बताई है। तो लाइक वो मुझे काफ़ी बुरा लगा था, और सीरियसली उनका घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर था, और जो उनकी कब्र दिखाई थी अंदर से वो तो बहुत ही प्यारी थी, मुझे वो बहुत सुंदर लगी। तो लाइक काफी अच्छी वीडियो थी भाई, उनका घर अगर अंदर से देखने को मिलता तो शायद बहुत सारी चीज़ें पता लगती कैसा है क्या है। लेकिन कुछ फोटो सिर्फ भी दिखाई गई थी कैसे उन्होंने घर में अंदर वो पूरा मस्जिद बना रखा है, कैसे उन्होंने वो पूरी एक एक चीज़ सजा रखी है। लाइक उनके बेटे ने ये अच्छा किया कि लाइक उन्होंने अपने वो फादर की पूरी लेगेसी कंटिन्यू किया। लाइक वो खुद ही बताते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे हीरोज़ हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो उनका मतलब आप कह सकते हो कि पूरा घर तहस नहस हो गया, या तो जंगल बन चुका है, या फिर उनके घर वालों ने उतना इतना उसकी देख रेखाक नहीं की। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से रखा गया है, एंड साथ में जो मज़ार भी बनाए गए वो भी बहुत अच्छे से उसकी देख रेखाव की गई है। लेकिन यह कि उसको बंद कर दिया गया, अब उसका क्या रीज़न है? मेरे ख्याल से शायद लोग आ रहे होंगे तो उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो पा रही होगी, या क्या चीज़ होगी वो चीज़ ज़रूर है। पर यह है, लेकिन एक चीज़ जो बताई गई थी कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कि लाइक वो किस तरीके से ज़मीन पे सोना पसंद करते थे, और वो अपना एक वो डाउन टू अर्थ नेचर हमेशा रखते थे, एंड वो किसी को भी ऐसे उदास नहीं देखते थे, फिर लोगों की मदद करना। तो यार वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, और इतने बड़े मूवी स्टार होने के बाद भी, वरना ईगो आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से आ ही जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों से ज़रूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।